होता है जो एक सिचुएशन में समझ के लेता है, ये जो है वो आउटस्पोकन है. कभी कभी जो लोग आउटस्पोकन होते हैं उनको अलग तरीके से देखा जाता है. मैं बहुत खुश हूँ अपने कैरेक्टर से, मैं अपने लुक से, अपने कैरेक्टर से. और कहीं ना कहीं जब आप खुश होते हो तो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर में भी दिखता है. और कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप अपनी फैमिली से दूर मत होइए, जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, हमेशा आप रखिए. जो आ गए पीछे उनसे ही सबसे ज़्यादा प्यार है, सबसे ज़्यादा प्यार है. और सबसे खुशी की बात है, ही इज़ वर्किंग विद मी फॉर द सेकंड टाइम बैक टू बैक. हाय, दिस इज़ रीमा बोरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी. और आज हमारे साथ है रीमा. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द शो रीमा, फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू सो मच. वेल, इस शो के साथ वापसी करना क्या कुछ रीजंस रहे डूइंग दिस शो, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे. देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा सोनी के साथ बैक टू बैक, मैं सोनी के साथ ही शो कर रही हूँ. और आई एम सो ब्लेस्ड एंड मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सोनी की पूरी टीम को फॉर कास्टिंग मी अगेन, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और इतना प्यारा कैरेक्टर दिया है मुझे, इतना अच्छा रोल दिया है मुझे. मैं बहुत खुश हूँ अपने कैरेक्टर से, मैं अपने लुक से, अपने कैरेक्टर से. और कहीं ना कहीं जब आप खुश होते हो तो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर में भी दिखता है आपको, यू नो. अगर आप अपने कैरेक्टर से, अपने लुक से ही खुश नहीं हो तो वो दिख जाता है ऑन स्क्रीन. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सोनी से इतना बैक टू बैक एसोसिएटेड रही हूँ एंड मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील. वेल, नेगेटिव किरदारों में हमने आपको देखा है, वेल इस शो में कैसा रहने वाला है किरदार? नेगेटिव शेड्स, ग्रे शेड्स रहेंगे? देखिए, नेगेटिव नहीं है अजंता, बट कहीं ना कहीं उसके साथ जो चीज़ें होंगी ना उसकी वजह से वो रिएक्ट डिफरेंटली करेंगी, यू नो. कोई कोई इंसान होता है जो एक सिचुएशन में समझ के लेता है, ये जो है वो आउटस्पोकन है. कभी कभी जो लोग आउटस्पोकन होते हैं उनको अलग तरीके से देखा जाता है, अरे ये तो बहुत बदतमीज़ है, इसकी तो ज़ुबान बहुत तेज़ चलती है, यू नो. वैसा ही ये शो में भी होने वाला है, ओनली बिकॉज अजंता इज आउटस्पोकन. जो दिल में है वो बोल देती है, उसकी वजह से लोग उसे अलग तरीके से लेते हैं. वेल, जॉइंट फैमिली को लेकर, फैमिली वैल्यूज, रिचुअल्स, संस्कृति, परंपरा को लेकर उन पर फोकस करने वाला ये शो है. ये सारे चीज़ें हैं शो के एलिमेंट्स, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अबाउट? देखिए, ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में जब यू नो जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही है, सब लोग अपने काम में इतना बिजी हो रहे हैं कि अपनी जॉब की वजह से सिटी शिफ्ट कर देते हैं लोग. और कहीं ना कहीं वो फैमिली वैल्यूज जो है, इंडियन कोर फैमिली वैल्यूज, ठीक है आप अब्रॉड चले जाइए, यूएस, यूके चले जाइए, वहाँ पर इतनी क्लोज बॉन्डिंग नहीं रहती है फैमिलीज के बीच में. बट हमारे यहाँ पर इंडिया में स्पेशली हम लोग एक जॉइंट फैमिली में बड़े हुए होते हैं और वो वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. और वही हम हमारे शो के थ्रू हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि आज की जनरेशन में भी, फोर जनरेशन बाद भी, वो फैमिली वैल्यूज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है. और कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप अपनी फैमिली से दूर मत होइए, जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, हमेशा आप रखिए. ग्रेट. वेल, फैंस को क्या कहना चाहेंगी अब वापसी हो रही है? प्यार कौन से एक्टर से है? सच्ची सच्ची देखिए ना, जो आ गए पीछे उनसे ही सबसे ज़्यादा प्यार है, सबसे ज़्यादा प्यार है. और सबसे खुशी की बात है, ही इज़ वर्किंग विद मी फॉर द सेकंड टाइम बैक टू बैक. आपको कैसा लग रहा है? आपको पता था कि आप, मुझे मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं मिस वर्ल्ड के साथ शूटिंग कर रहा. ओहो, ये हमारे शो के हीरो हैं, हीरो जस्ट पानसी. वी हैव अ लॉट ऑफ पानसू. हाँ, तो मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेहंदी वाले घर को, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो पे, ऑफ कोर्स. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू लव मी एज अ कैरेक्टर ऑल्सो.